हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज 24/7 में। दोस्तों, आज हम बैंक एंड पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एफडी फिक्स डिपॉजिट स्कीम के इंटरेस्ट रेट्स, कुछ सिलेक्टेड बैंक्स के मैंने इंटरेस्ट रेट लिए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें पता होना चाहिए कि एफडी क्या है। फिक्स डिपॉजिट को सावधि जमा भी कहते हैं, आम भाषा में एफडी के रूप में ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा इसे टर्म डिपॉजिट, टीडी या टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। दोनों केस में टीडी ही बनता है, टर्म और टाइम डिपॉजिट में। फिक्स्ड डिपॉजिट का अगर हम हिंदी अर्थ निकालते हैं तो यह होता है कि हम कोई भी राशि एक निश्चित या स्थायी समय के लिए जमा कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप अर्थ निकालते हैं तो यह निश्चित ब्याज दर पर एक निश्चित समय के लिए किया जाने वाला जमा रकम होती है, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट या दूसरे शब्दों में एफडी और फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए कुछ सिलेक्टेड बैंक्स के इंटरेस्ट रेट निकाले हैं। सबसे पहले ये इंटरेस्ट रेट है पर एनम, इंटरेस्ट रेट फॉर सीनियर सिटीजन पर एनम, 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर, 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर फॉर सीनियर सिटीजन। ये जनरल के लिए है। अब देखते हैं एक्सिस बैंक जो है वो फर्स्ट ईयर 1 ईयर के लिए क्या इंटरेस्ट रेट कर रहा है ऑफर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सिस बैंक में 1 साल के लिए इंटरेस्ट रेट है 5.10 और 2 साल के लिए 5.40 और 5 साल के लिए 5.750। सीनियर सिटीजन के लिए 5.75%, 2 ईयर के लिए 6.05% और 5 ईयर के लिए सीनियर सिटीजन के लिए 6.50% है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये सारे बैंक्स हैं, आप इसको आराम से देख सकते हैं। बंधन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहा है 5% 1 साल के लिए और 2 साल के लिए 5.1%, 5 ईयर के लिए 5.2% और सीनियर सिटीजन में 5.4 और सेकंड ईयर में 5.50, 2 ईयर्स के लिए 5.50 सीनियर सिटीजन के लिए और 5.75% फॉर 5 ईयर। यहाँ पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट रेट भी दे रखा है मैंने, 1 साल के लिए 5.5% के हिसाब से एफडी की जाती है पोस्ट ऑफिस में। सेम 2 साल के लिए भी वही है और अगर 2 साल या उससे ज्यादा के लिए करवाते हैं तो 6.70% है। दोस्तों, ये देखिए आपके लिए मैंने नीचे मिनिमम और मैक्सिमम इन बैंक सभी में से निकाल के रखा हुआ है। 1 साल के लिए मैक्सिमम जो रिटर्न मिल रहा है जर्नल के लिए वो 5.75% है, जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है आपको प्रोवाइड करा रहा है। 2 साल में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंटरेस्ट रेट ज्यादा आ रहा है 6.35% और 2 साल उससे ज्यादा के लिए 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस की जो एफडी है वो 5 साल की एफडी जो है वो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट पे कर रही है एज कंपेयर टू ऑल बैंक्स तो नहीं मैं बोल सकता, कुछ सिलेक्टेड बैंक्स। और इसी तरह सीनियर सिटीजन स्कीम में भी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो टॉप पे है 1 साल के लिए और जो बंधन बैंक है वो 7% का इंटरेस्ट दे रहा है सीनियर सिटीजन को 2 साल की स्कीम के लिए एफडी के लिए, और उससे ज्यादा की एफडी के लिए ये स्मॉल फाइनेंस बैंक का आ रहा है। दोस्तों, सबसे कम जो इंटरेस्ट दे रहा है वो 5% है 1 साल के लिए भी, 5 साल के 2 साल के लिए, 5 साल के लिए 5.05% है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से निकाला हुआ है। दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मैं आपके पैसे को आपको डिपॉजिट करने के लिए सलाह दूंगा कि आप इस तरह से करें उस तरह से करें। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं। ये जो वीडियो है सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, आप इस तरह से अपना कर सकते हैं, इसको देख के आप अपना जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मैं किसी भी तरह से फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मैं आपको किसी भी स्कीम में, किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करने के लिए नहीं बोलता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपको एफडी का अकाउंट ओपन कराना है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो भी आप देख लीजिए। एक आपको आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, एक पैन कार्ड की चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो चाहिए। किसी बैंक में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए जहां आपकी इच्छा है और वहां पे जाके
एफडी अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए, एक डिपॉजिट स्लिप लगाइए और अटैच ऑल द फोटोज कॉपीज जो आपने सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी, और डिपॉजिट जितना आप पैसा जमा कराना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। आप एफडी जो है वो बैंक से अपने अकाउंट से भी, सेविंग अकाउंट से भी करवा सकते हैं, जहाँ जिस बैंक में आपका या जिस पोस्ट ऑफिस में आपका सेविंग अकाउंट है उससे भी आप एफडी करवा सकते हैं, आपको कैश देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पैसा जो है आपके सेविंग अकाउंट में ही जमा होता है, उसके बाद उसकी एफडी की जाती है। दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।